मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव चौथे चरण में सोमवार को 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में आम जनता के साथ नेता भी अपना वोट डालने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने परिवार के साथ वोट डाला। उनके साथ विधायक रमेश मेंदोला भी मौजूद रहे। वोट डालने के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, इस बार मुस्लिम वोटर भी मोदी को वोट देंगे क्योंकि गरीब कल्याण योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ इसी वर्ग को मिला है। नोटा को वोट नहीं देंगे मतदाता। जिस पोलिंग बूथ पर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा वहाँ के बूथ कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। पोलिंग बूथ पर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा वहां के बूथ कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। ये मत मुस्लिम भाइयों के अभी अगर लाइन लगी है तो वही मोदी जी को वोट देंगे क्योंकि गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ यदि सबसे ज्यादा मिला है तो हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला है। ये बात सही है। कांग्रेस उनके पास कह गई कि नोटा में वोट डालो, बाकी कोई वोट डालेगा नहीं। इंदौर शहर सकारात्मक शहर है, नकारात्मक शहर नहीं है और इसे लोग वोट डालेंगे। 14 ऑप्शन है, 14 में से किसको भी दे सकते हैं, पर हाँ लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बहुत ज्यादा देखिए, युवा की आशा की किरण सिर्फ मोदी जी हैं और आज के समय में जब सारी दुनिया के अंदर एकदम अराजकता मची हुई, चार देशों के अंदर युद्ध हो रहा है, बाकी देशों में तनाव चल रहा है, ऐसे समय में भारत की सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जिसकी की आर्थिक प्रगति हो, उसकी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है और ये मोदी जी का कुशल नेतृत्व इसीलिए संभव हो पाया और ये युवा आजकल इंटरनेट पर सब चीज देखता है, समझ रहा है और इसलिए वो मोदी जी का फैन है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।